हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ब्लूमिंग फ्लोरा। आज मैं फिर से अपने टेरेस पे आ चुकी हूँ और अक्टूबर का ये अंतिम सप्ताह चल रहा है और हम सभी जाड़े की सब्जियों की बुआई करने की तैयारी में हैं। तो ये देखिए, ये मेरा मिर्च का पिछले जाड़े का पौधा है। इसको मैंने पेंट के डब्बे में लगाया है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इस समय दे रहा है। और ये देखिए, आगे मैंने बरसात की सब्जी करेला, नेनुआ, चिचिंडा और तुरई, बहुत सारी सब्जियां लगाई थी और इसको मैंने काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। और ये देखिए, ये तुरई का ड्वार्फ वैरायटी है। बनारस में इसको सहपुतिया कहते हैं। आप बताइएगा कि इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। इसका बीज भी तैयार हो चुका है। और लेकिन ये देखिए, ये नेनुआ का एक छोटा सा फली दिख रहा है। इधर ऊपर भी देखिए, छोटे छोटे फलियाँ दिख रहे हैं और ये काफ़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहा है। इसको देखने के पश्चात मैंने इसको निकालने का विचार आज त्याग दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए ऊपर भी लगा हुआ है, लगभग आधा दर्जन नेनुआ के छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि अभी एक हफ्ता और रहने दूँ। और ये है मेरा एयर पोटैटो का वाइन। इसको मैंने पहली बार लगाया था, देखिए इसमें एयर पोटैटो आ चुके हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा मेरा। और ये इधर देखिए, ये मेरा बैगन का पौधा है। इसमें मैंने कई बार हार्वेस्टिंग की है और इसमें अभी भी छोटे छोटे बैगन लगे हुए हैं। और ये बैगन मेरा गोल वाला भरते वाला बैगन है और इसमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मैं ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत सारे कंटेनर मेरे खाली हो गए हैं और पुरानी मिट्टी, खाद, ये देखिए ये गोबर की खाद है, इधर मेरी सरसों की खली, नीम खली, और इधर मेरे गार्डन से निकला हुआ, किचन में गार्डन से निकला हुआ वेस्ट है। ये देखिए सूखी की पत्तियां हैं और इधर भुट्टे की पत्तियां हैं। इसको मैं इन्हीं कंटेनर में यूज़ करूंगी, मिट्टी के नीचे इसको रख करके। तो दोस्तों देखिए, फाइनली मैंने मिट्टी, खाद सारे को मिला करके मैंने अपने कंटेनर में भर लिया है और ये बोने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब मैं आपको बीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये धनिया का बीज है, इसको बोऊंगी। ये है पालक, इसको मैं बोऊंगी। और ये देखिए कि आलू है, इसको मैंने दुकान से ले करके इसको एक हफ्ते पहले कपड़े में लपेट के रख दिया था। देखिए सफ़ेद और लाल आलू दोनों ही हैं। और ये देखिए प्याज है, कुछ उगे हुए हैं और कुछ छोटे छोटे प्याज हैं। और ये लहसुन है और इन्हीं बीजों को मैं आज लगाऊंगी। तो आलू को देखिए इस तरह से आप काट लीजिए और प्रत्येक टुकड़े में एक या दो जो स्प्राउटिंग हुई है, जिसको आम भाषा में आँख कहते हैं, एक एक होना चाहिए। और आप चाहें तो इसको एज अ होल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है आलू लगाने का यही होता है, किसान लोग इसको फिर फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं। और मैंने यहाँ पे हल्दी का पानी बनाया हुआ है और इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाला है और इसको लगभग आप आधा घंटा इसमें डुबा करके रख दीजिए, जिससे कि ये मिट्टी में बोने के बाद ये सड़े ना, कोई फंगस ना लगे। तो चलिए अब आलू को बो लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये मेरा अमेजन का डब्बा आया था सामान, इसको मैंने पॉलीथीन से चारों तरफ से रैप करके मिट्टी भर लिया है और इसमें मैं लाल वाले आलू अपने लगा रही हूँ।
और अंकुरण ऊपर करते हुए इस तरह से दो दो इंच की दूरी छोड़ करके इसको आप लगा लीजिए। मैं भी इस तरह लगा रही हूँ। देखिए दूसरे कंटेनर में मैं सफ़ेद वाले आलू लगा रही हूँ। पिछली बार दोस्तों मैंने प्रयोग के तौर पे केवल एक कंटेनर में मैंने आलू लगाया था, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा रहा। एक कंटेनर में लगभग मैंने 4 किलो आलू हार्वेस्ट किया था। और ये देखिए, ये मेरा टब है जिसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही थी। इस बार ये 2 साल से लगातार धूप में रहने के कारण हल्का सा फट गया था, तो चारों तरफ से मैंने इसको पॉलीथीन से रैप कर दिया है। और प्याज इस तरह से लगा लीजिए। और अभी मैं और कंटेनर में भी प्याज लगाऊंगी, क्योंकि प्याज का साग मुझे बहुत पसंद है और इसका रिज़ल्ट 100% आता है। पिछली बार मैंने प्याज का साग पूरे जाड़े भर अपने छत से खाया और मार्केट से नहीं लाई। और फाइनली देखिए, ये लहसुन है, इसको भी मैं बड़े कंटेनर में लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको टब में, बाल्टी में, गमले में या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और जो मार्केट में लहसुन मिलता है आप उसी को ले लीजिए, और जो इसकी बड़ी बड़ी कलियाँ हैं उसको तो लगाइए, और छोटी छोटी कलियाँ आप अपने किचन में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि छोटी कलियों का जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। उसके पौधे बहुत ही पतले और छोटे आते हैं। और ये देखिए, इस कंटेनर में मैंने पालक बोया। पालक के बीज को लेकर के मैंने इसको फैला दिया और उसके बाद मिट्टी को इसके ऊपर कर दिया, जिससे कि बीज दब जाएं। और ये धनियों को भी मैंने फैला करके, और इस तरह से आप खुरपी के मदद से या हाथ के मदद से ही मिट्टी और बीज को इसमें मिला दीजिए, और बीज आपको ऊपर ना दिखाई दें। और ये मेरा बुआई लगभग हो चुकी है, और मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं काफ़ी सूखी हुई है, इसलिए इसको पानी मैं भरपूर दे रही हूँ, जिससे कि मिट्टी एकदम नीचे तक हाइड्रेटेड हो जाए, जिससे कि बीजों को उगने में परेशानी ना हो और अच्छी तरह से उग जाएं। तो दोस्तों, मैंने अपनी बुआई कर ली है और इसकी जर्मिनेशन का आपको अपडेट ज़रूर दूंगी।